Hello lovely people, welcome to my channel. I'm your apiculturist Shubham Rana and you're watching Bee Wedding. So guys, आज मैं आप लोगों को हनी बीज के परिवार से मिलाता हूँ. कहने का मतलब ये है कि आज मैं आप लोगों को हनी बीज के कास्ट के बारे में बताऊंगा और उनके बारे में कुछ चौंका देने वाली बातें भी बताऊंगा जो आपने शायद ही कहीं सुनी होगी. तो गाइस चलिए शुरू करते हैं. गाइस आज बात हो रही है हनीबीज के कास्ट की, उनके परिवार की. मधुमक्खी के परिवार में कुल 3 सदस्य होते हैं. ये तीनों सदस्य एक ही हाइव के अंदर होते हैं और ये तीनों सदस्य अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हैं. एक हाइव के अंदर एक रानी मधुमक्खी यानी क्वीन बी 50 से 60 हज़ार कर्मठ मधुमक्खी यानी वर्कर बी और 50 से 100 नर मधुमक्खी यानी ड्रोन बी होते हैं. तो गाइस शुरू करते हैं रानी मधुमक्खी यानी क्वीन बी से. गाइस क्या आपको मालूम है एक हाइव में सिर्फ एक रानी होती है जिसका मेन टास्क रिप्रोडक्शन होता है यानी प्रजनन करना होता है. ज्यादातर क्वीन अंडे स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु और अर्ली समर यानी गर्मी शुरू होने के टाइम पे देती है. गाइस क्या आपको मालूम है कि एक क्वीन भी एक दिन में 1500 अंडे यानी 1500 एग ले कर सकती है. क्वीन भी आकार में बाकी दोनों से बड़ी होती है और पंख छोटे होते हैं. डू यू नो गाइस एक रानी मधुमक्खी की एज 2 से 3 साल तक हो सकती है क्योंकि रानी मधुमक्खियों को एक स्पेशल तरीके का खाना दिया जाता है जिसे हम रॉयल जेली भी कहते हैं. गाइस अगर आपको रॉयल जेली के बारे में नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके. क्वीन भी 2 प्रकार के अंडे देती है, एक फर्टिलाइज एग और दूसरा अनफर्टिलाइज एग. फर्टिलाइज एग से वर्कर एंड क्वीन भी डेवलप होती हैं और अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन यानी नर मक्खी पैदा होती है. गाइस क्या आपको मालूम है क्वीन भी अपने पूरे जीवन काल में एक बार इंटरकोर्स यानी संभोग करती है और उसके बाद पूरी लाइफ एग ले करती है जरूरत के हिसाब से. गाइस अब बात करते हैं ड्रोन बीज की. ड्रोन बीज जिन्हें हम नर मक्खी भी कहते हैं, ड्रोन बीज ज्यादातर वसंत ऋतु और गर्मी में ही पाए जाते हैं. नर मक्खी का सर बड़ा होता है और उनकी आंखें उनके सर के ऊपरी भाग में मिली हुई होती है. गाइस क्या आपको पता है ड्रोन बीज के पास स्टिंग यानी डंक नहीं होता है और उसके साथ साथ पॉलन बास्केट और वैक्स ग्लैंड भी नहीं होता है. ड्रोन बी का मेन काम क्वीन को फर्टिलाइज करना है और मैटिंग के तुरंत बाद ड्रोन बी मर जाता है. ड्रोन भी वर्कर बी पे निर्भर होता है और वर्कर बी से 3 गुना ज्यादा खाना खाता है. ड्रोन भी कभी फूलों से खाना नहीं लेता है. गाइस अब बात करते हैं वर्कर बीज. वर्कर बीज साइज में सबसे छोटे होते हैं और जनसंख्या में सबसे ज्यादा होते हैं. वर्कर बीज फीमेल बीज होती हैं और उनके पास फर्टिलाइज एग देने की कैपेसिटी नहीं होती है लेकिन उनके पास कुछ खास तरीके के ग्लैंड्स होते हैं लाइक ब्रूड फूड ग्लैंड, सैंड ग्लैंड्स, वैक्स ग्लैंड्स और पॉलन बास्केट्स जिसके कारण वे हाइव के सारे काम कर सकते हैं. वर्कर बीज के बहुत सारे काम होते हैं जैसे हाइव में साफ सफाई का, हाइव को मेंटेन रखने का, बच्चों को खाना खिलाने का, रानी को खाना खिलाने का, हाइव का तापमान स्थिर रखना, हाइव बनाना, बाहर जाके खाना लाना और हाइव की रक्षा या फिर रखवाली करना. ये सारे के सारे काम वर्कर बीज करती हैं. गाइस वर्कर बीज का काम उनके एज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यानी बांटा हुआ होता है. अब इनका काम किस तरीके से बटा हुआ होता है ये मैं आपको अपनी आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा. Hey guys, if you like this video and if you think this video is really informative for you, so please share this video and don't forget to subscribe my channel. Thank you.